अच्छा, अखिलेश यादव अपनी हर रैली में चिरंजीवी सरकार कह रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे यार? मेरे को कुछ नहीं कहना है इस बारे में, क्योंकि इस बारे में आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो इतनी कह रही हूँ कि असंयत भाषा का प्रयोग अखिलेश को बहुत महंगा पड़ता है। पहले भी जब वो गोरखपुर क्षेत्र में पहुँचे और जिस तरह से उनने योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी, खुद मुझे चुभ गई थी। उदावा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं कि क्या कहते हैं। और इसी व्यंग, अपने आप को बहुत घमंडी समझना, अपने आप को बड़े खानदान का समझना, अपने आप को बड़ा होशियार समझना, ऐसे ही लोग हैं जो औंधे मुंह गिरते हैं और धूल चाटते हैं। दीदी, इस समय डिप्टी सीएम ने विवादित थोड़ा बयान दिया है, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। आप बहुत अहम भूमिका में थी अयोध्या में, ऐसे ही सक्रिय भूमिका में रहेंगी मथुरा के लिए भी? मथुरा के लिए मेरी भूमिका केशव नहीं तय कर सकते जी। अयोध्या मथुरा काशी की जो भी भूमिका होगी वो पार्टी जो तय करेगी वो होगा। बाकी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का विषय है, और उनने किस संदर्भों में ये बयान दिया है इसका जवाब वही देंगे। हम सबका तो आस्था का विषय है, और एजेंडा सेट करने का जो काम है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के तय करते हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग तय करते हैं। बैठ जाओ तो बैठ जाती थी और मैं सुनती रहती थी क्या चल रहा है, तो मुझे खुद लगने लगा था कि बनना चाहिए। तो तब से इसका समर्थन आपके तो पुराने प्रवचनों में भी हमने सुना है, आज भी कर रही हूँ मैं। आज आपके बीच में जो आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं आज भी समर्थन कर रही हूँ। यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेरोजगारी का निदान यही है कि यहाँ पर केन बेतवा आवे और इस राज्य का पृथक गठन हो। केन बेतवा का आना भी बहुत जरूरी है। केन बेतवा की सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पूरी कर दी, कुछ नहीं बचा सिवा इसके कि दोनों राज्यों को आपस में सुलह करनी। और कौन सी बात पर सुलह करनी वो बात भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो मुद्दे केन बेतवा से संबंधित नहीं है, वो मुद्दे राज्य के जल बंटवारे को लेकर के हैं, जिसमें बाण सागर है और जिसमें ललितपुर का जो बांध है। हाँ, वो है, वो दो मुद्दे हैं जो सुलझे नहीं हैं। गोविंद सागर भी है वहाँ का, तो वो नहीं सुलझे हैं, पानी का बंटवारा। तो उनका ये कहना है कि ये हमारा पहले जब तक पूरा टोटल में नहीं सुलझेगा हम फिर अन्याय के शिकार हो जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। इनको ये लग रहा है कि हम मुद्दे सुलझ चुके हैं और इसमें पूरी बात उलझ जाती है। तो इसलिए मैं आज, अच्छा रहा आपने मेरे से सवाल कर दिया, रियली थैंक यू, कि केन बेतवा का जितने जल्दी हो सके प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक मांग थी रेलवे लाइन की, वो पूरी हुई। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की मांग पूरी हुई। दूसरी थी पानी की मांग। मैं खुद चरखारी के लिए इतनी, मेरे ध्यान में, क्योंकि मैं विधायक थी तो मेरे ध्यान में चरखारी थी और मेरे ध्यान में खजुराहो पूरा लोकसभा थी, उसी दृष्टि से केन बेतवा को मैंने नेशनल प्रोजेक्ट हो जाए ये अनुशंसा भी कर दी नीति आयोग ने। मुझे दुख इस बात का है कि नीति आयोग ने अनुशंसा कर दी नेशनल प्रोजेक्ट का, मतलब होता है कि पूरा पैसा केंद्र देता है। और उसका लॉजिक ये था कि ये ड्राउट प्रोन एरिया है, यानी कि सूखा ग्रस्त इलाका है, तो ड्राउट प्रोन एरिया के आधार पर जो लॉजिक बनी उस पर नीति आयोग ने हमारा पूरा साथ दिया, पीएमओ ने साथ दिया, वित्त मंत्रालय ने साथ दिया। अब ऐसा क्या हो गया है कि योगी और शिवराज नहीं बैठ पा रहे? मैं खुलेआम बोलूंगी उनको कि आप बैठिए और इस मामले को सुलझाइए। तो इसलिए मैं तो खुलेआम ही कहूंगी कि अगर बुंदेलखंड का हित देखना है तो मध्य प्रदेश की सरकार को अपने वो मुद्दे स्पष्ट करने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने। और ये बात मेरे और मुलायम सिंह के समय पर तय हो गई है 2003 में, ये आज की बात नहीं है। जब नदी जोड़ो योजना बनी, मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा विस्तार से बता रही, भले ही आप दिखा पाओ या नहीं, आपके साथ शेयर तो करूंगी मैं जानकारी को। जी हाँ, मैं मुख्यमंत्री बनी और उसी समय पर नदी जोड़ो योजना बनी और सुरेश प्रभु उसके अध्यक्ष बने। तो मैं पहला राज्य थी जो उनको बुला ली कि आप आइए और हमारे साथ, जो नदियां कुछ राजस्थान की थी, कुछ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो जैसा उनका स्वभाव था जैसे ही मैंने उनको कहा तो तुम बताओ क्या करना है, तो मैंने कहा कि बस आप तो अधिकारियों की एक टीम बना दो, पहले असेसमेंट कर लें पानी का, उन्हें बना दी। और जैसे ही मैंने रिजाइन किया वो गौर के साथ उनकी बैठक भी हो गई, गौर जी जब मुख्यमंत्री थे, मतलब बात यहाँ तक बढ़ गई वही बात। फिर जब मैं मंत्री बनी भगवान की दया से जल संसाधन मंत्री, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया केन बेतवा के लिए समिति के गठन का, और मुझे आश्चर्य हुआ कि जैसे भगवान ने ही मुझे ये भाग्य दिया हुआ है क्या कि ये काम होना है, तो सारा काम कर डाला। डीपीआर बनी हुई रखी थी, पर्यावरण से कितनी लड़ाई हुई है मैं आपको क्या बताऊं। दीदी, 400 सीटों का दावा अखिलेश कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो क्या मात्र 3 सीटें ही बीजेपी को मिल पाएंगी? अरे ये तो आप उन्हीं से पूछिए, ये हमें पता है कि हमारी सीटें पहले से बढ़ेंगी, पहले से इसलिए बढ़ेंगी कि क्योंकि पहले जो हमें वोट मिले थे वो इसलिए मिले थे कि मोदी सरकार से जितना संभव हो सका था यहाँ पर काम हमने किया था,
मुझे खुद याद है कि 2017 तक मुझे कितनी कठिनाइयाँ आई थी झांसी में, मैं आज तक नहीं भूल सकती। अच्छा। जैसे शेरनी अपने शावकों की रक्षा करती है, मुझे इस तरह से वहाँ लोगों की रक्षा करनी पड़ी थी 2017 तक। मैं कैसे कैसे बचा करके चली थी अपनी सीट को, और मुझे कितनी तरह से धमकियाँ देनी पड़ती थी अकेले में DIG SP और DM को। ये तो इतिहास है जो लिखने लायक है, ठीक है। और इसलिए 2017 में जब हमें इतनी सीटें मिल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी के इरादे स्पष्ट हो गए थे कि वो यूपी में क्या करना चाहते हैं, और उन्होंने थोड़ा बहुत जितना संभव हो सका था कर लिया था। उसके बाद तो हमारी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में वो सारे इरादे स्पष्ट हो गए, विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से जारी हो गई। इसलिए अब तो मुझे कहीं कोई कमी ही नहीं लगती है, उल्टा लगता है सीटें बढ़ जाएंगी, ये मैं कह सकता हूँ। हटो यार।